सर, जो एटीएम चोर का जो गिरोह पकड़ा है वो क्या मामला था? दिनांक 23 जनवरी की रात को करीब 12 बजे के आसपास मोलडिया स्थित एक रिद्धि सिद्धि कंपनी के एटीएम को कुछ बदमाश एक सफेद रंग के स्कॉर्पियो में उखाड़ करके और डाल करके ले लेते हैं। इस जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमे दर्ज होने के बाद में श्रीमान आईजी साहब, एसपी साहब और अपने एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम ने दिन रात मेहनत करके अपने आसूचना संकलन किया और आसूचना संकलन करने के पश्चात मुलजिम आइडेंटिफाई किया, जिनमें से दो मुलजिम को उन्होंने हरियाणा से दस्तियाब किया, जिनको पूछताछ के थाने पर लेके आए। बाद पूछताछ दोनों मुलजिमों को ने अपना जुर्म स्वीकार किया, उनको गिरफ्तार किया। एटीएम और पैसे बरामद हो गए सर। प्रकरण में अभी मुलजिमों को कोर्ट में पेश करके चार दिन के पीसी रिमांड पर लिया गया है। प्रकरण में अन्य बचे हुए मुलजिम, एटीएम और जो पैसे गए हैं उनके बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। नाम वगैरह क्या सर इनके? जो दो मुलजिम गिरफ्तार किए हैं उनमें से एक मुलजिम है सादिक, जो पुराना हरियाणा का रहने वाला है, और जो एक मुलजिम गिरफ्तार किया है शेर सिंह उर्फ राजू भाट, जो नारनौल रोड बहरोड़ का रहने वाला है। इस गैंग में जो उनका जो मुख्य सरगना है वो है राहुल, जो पल्ला का रहने वाला है। जिसको पूर्व में भी कई एटीएम के उखाड़ने और काटने के कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके ऊपर पिछले साल तिजारा में पुलिस मुठभेड़ में एटीएम उखाड़ के ले जा रहे थे, तब पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली भी लगी थी। अभी कुछ समय पूर्व वो जेल से बाहर आया और जेल से बाहर आते ही उसने कई सारी घटनाएं की हैं। उसको जल्द ही गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। थैंक यू सर।